नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जो कि लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहा है, जिसमें अपने देखा था क्लास नाइन्थ यानी कक्षाओं का गति वाला चैप्टर जो है मोशन चैप्टर है, उसको अपन कंटिन्यू कर रहे थे। जिसके फर्स्ट वीडियो में अपने देखा था कि मोशन होता क्या है, या गति क्या होती है, स्थिर वस्तुएँ क्या होती है, जो रेस्ट में है वो क्या है, फिर अपने उसके आधार पर विस्थापन को और दूरी को परिभाषित किया है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अपने डिफाइन किया था, फिर उसके बेसिस पे अपने वेलोसिटी और स्पीड को डिफाइन किया, यानी कि वेग और विस्थापन, वेग और चाल को देखा अपने कि चाल में हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि वेग यानी वेलोसिटी में हमें डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, कि उसमें डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अपने ग्राफ देखा था, लास्ट का जो हमारा ग्राफ था वो विस्थापन समय ग्राफ था, मतलब एक साइड विस्थापन था, एक साइड समय यानी कि एक साइड डिस्प्लेसमेंट था, एक साइड क्या था हमारा, एक साइड थे हमारे टाइम। आज का जो हमारा ग्राफ रहने वाला है, पहला वो रहने वाला है वीटी ग्राफ, यानी वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, एक एक्सिस पर तो क्या होगा, वेग होगा, और दूसरे एक्सिस पर क्या होगा, समय। ठीक है, पहले एक्सिस पे क्या है हमारा, वेग है, जो कि y एक्सिस, उस पर क्या है, वेग यानी वेलोसिटी, और दूसरे वाला एक्सिस जो x एक्सिस है उस पर क्या है हमारा, समय। इसके बेसिस पे हम चार ग्राफों का स्टडी करेंगे, चार ग्राफ की अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहला थोड़ा सबके इंटरव्यू लेते हैं। पहले वाले ग्राफ अपन देखेंगे कि अगर स्पीड जो है, मतलब अगर वेलोसिटी जो है, वेग जो है, वो एक समान ही रहता है, मतलब कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और बस सुहाना सफर हो रहा है, मैं उसके जो कान है, जो उसका एक्सीलेटर है, उसको मोड़ नहीं रहा, ना ही उसको कम कर रहा हूँ, ना ही उसको बढ़ा रहा हूँ, ना उसको कम कर रहा हूँ, सीधा चलता जा रहा हूँ मैं। तो उस समय मेरी स्पीड जो है, मान लो अगर 40 किलोमीटर पर आर है, तो 40 किलोमीटर पर आर ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद वो बढ़ जाएगी, कुछ टाइम बाद वो कम हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी वो, नहीं कम होगी। तो पहले अपन वो वाला ग्राफ देखेंगे, फिर अपन सेकंड जो नंबर है उस पर अपन क्या देखेंगे, सेकंड वाला जो ग्राफ है उस पर अपन देखेंगे कि मान लीजिए अगर मैं उस एक्सेलरेट को बढ़ा रहा हूँ, और कैसे बढ़ा रहा हूँ कि मैंने गाड़ी स्टार्ट की, सीधी रोड थी, कि मैंने लगातार उस एक्सेलरेट को बढ़ाता जा रहा हूँ, धीरे 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 करके बढ़ाता जा रहा हूँ, जिससे पहले जीरो की स्पीड थी मेरी, फिर 10 की हो गई, फिर 20 की हो गई, फिर 30 की, कंटिन्यू जो स्पीड है, जो वेलोसिटी में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो अपन सेकंड में वीडियो में वो देखेंगे। थर्ड में अपन देखेंगे कि मान लो कि मैंने इस पर बढ़ाने की जगह क्या कर दिया, सामने कोई जानवर आ गया, गाय आ गई या कुत्ता आ गया, तो हमने क्या कर दिया, ब्रेक लगाया और एक्सीलेटर को, मतलब जो कान, उसको कम करके ब्रेक लगा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, मेरी स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, धीरे 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 करके क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर अपन उसकी स्टडी करेंगे, फिर फोर्थ में देखेंगे एक ऐसे इंसान की, मतलब ऐसे ऐसा ग्राफ देखेंगे जिसमें बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, और यही फैक्चुअल है कि अपन हर टाइम तो बढ़ा नहीं सकते अपनी स्पीड यूनिवर्सिटी को, हर टाइम कम नहीं कर सकते। अगर आप अपने घर से बाहर निकलोगे तो मोड़ तक आप बढ़ाओगे स्पीड, जैसे मोड़ आएगा कम करोगे, जैसे मोड़ खत्म हो गया आपने मोड़ लिया गाड़ी, फिर बढ़ाओगे, फिर कोई सामने आ गया तो कम करोगे, फिर वहाँ के अप्स एंड डाउन रहता है, वो वाले अपन ग्राफ की स्टडी करेंगे। इन सब की स्टडी के बीच में अपन ये आपको ये चीज़ याद रखना कि अगर एक साइड वेलोसिटी यानी कि वेग हो, दूसरी साइड टाइम यानी समय हो, तो बीच में जो ये लाइन के बीच में ये जो एरिया बनता है, शेडेड एरिया या छायांकित भाग, ये भाग, ये जो ये एरिया है, याद रखना ये विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, याद रखना डिस्प्लेसमेंट को ये शो करता है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा दो अलग डायग्राम में मैंने माना, एक ग्राफ जो है उसमें ऐसी स्पीड जा रही है, ये तो हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम, ये जा रहा है तो ठीक है, और इस टाइम तक मैंने क्या ले लिया, उसका मेजर कर रहा हूँ, यहाँ तक का समय जो है ये कैपिटल टी ले लिया, यहाँ तक का समय ले लिया मैंने स्मॉल टी, और टोटल वेलोसिटी ये ले ली, और यहाँ तक की वेलोसिटी मैंने ले ली यू। अब देखिए ये जो है ये एक बन रहा है आयत, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा, टी गुणा चौड़ाई यानी यू, यानी उसको बोल सकता हूँ यू टी, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ एबीसीडी, ए बी सी डी, एरिया ऑफ एबीसीडी मैं बोल रहा हूँ यू टी। ठीक है, अब एक बार के लिए यहाँ अपना जो फॉर्मूला था डिस्टेंस वाला, वेलोसिटी वाला, वो क्या था कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ, एस अपॉन टाइम, यानी कि वेग जो है वो विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन का मान निकालो तो विस्थापन क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू वी टी, या यहाँ पे वी की जगह यू लेता हूँ, मैं जो कि यहाँ मैंने वेलोसिटी यू मान के चल रहा हूँ,
यूटी, ये समीकरण एक क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, तो ये भी यूटी, ये भी यूटी, अगर इन दोनों की तुलना करूं तो यूटी यूटी है यानी एड इन साइड बराबर है, तो ये एस किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी के, ठीक है, यानी कि ये जो एक एरिया है, ये एरिया क्या है, ये एरिया है विस्थापन, तय विस्थापन, ऐसा कैसे, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं इसका नाम दे दूँ ओ, ये जो विस्थापन है ए बी ए बी सी डी को पूरा विस्थापन है, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, सॉरी ये जो पूरा एरिया है किसको शो कर रहा है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। चलिए ठीक है, अपन एक एक करके सब ग्राफ के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। पहला जो ग्राफ है, पहले ग्राफ के अंदर देखिए एक गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग से ही 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कंटिन्यू चलती जा रही है, चलती जा रही है, और T1 टाइम पर भी उसकी जो वेलोसिटी थी यानी वेग था वो 40 था, और T2 टाइम पर भी उसका वेलोसिटी क्या हो गई, 40। अगर मैं इसके T1 से लेकर T2 तक यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के उसकी बात करूँ कि उसने कितने डिस्टेंस कवर की यानी डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो अगर उसकी ऊंचाई की बात करूँ लंबाई की, तो लंबाई तो हो जाएगी 40, एक्स एक्सिस से ऊपर की लंबाई की बात करूँ तो होगी 40, और अगर उसकी चौड़ाई की बात करूँ तो चौड़ाई मतलब T2 और T1, तो अपन T2 माइनस T1 कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई T2 माइनस T1, ये क्या हो गया उसके द्वारा तय की क्या तय किया गया डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, गाड़ी जो है वो एक समान मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है ना ही कम हो रही है, वो इंसान है मस्त आराम से अपनी गाड़ी को एक ही स्पीड से चला रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेकंड ग्राफ की, तो सेकंड ग्राफ में देखो, सेकंड ग्राफ में क्या हो रहा है कि कोई इंसान जीरो से उसने स्टार्ट किया, जीरो किलोमीटर पर आवर से उसने स्टार्ट किया, फिर उसने क्या किया धीरे धीरे तक उसकी स्पीड बढ़ती गई, 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर क्या किया उसने उसकी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, 10 सेकंड के अंदर 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर 40 हो गई 20 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा है हमें वो कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, इस प्रकार से मिल रहा है, यहाँ पे V और यहाँ T है। इसका मतलब क्या है, उसने जो एक्सेलरेटर खींचा वो कंटिन्यू उसको क्या मोड़ता जा रहा है, जिससे उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो उसका स्पीड यानी उसका वेग जो है ना, उसके वेग यानी वेलोसिटी वो चेंज हो रही है, वेग चेंज होना है, वेलोसिटी में चेंज होना, और उसकी जो रेट है उसको क्या बोलते हैं हम एक्सलेशन, मतलब वेलोसिटी में चेंज होने की जो रेट है यानी दर है उसको क्या बोलते हैं हम त्वरण। तो यहाँ गाड़ी क्या हो रही है, त्वरित होती जा रही है, त्वरित होती जा रही है, त्वरित मतलब ऊपर की साइड होती जा रही है, होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सलेशन हो रहा है यानी त्वरण हो रहा है वो एक समान हो रहा है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ में क्या हो रहा है, थर्ड ग्राफ में जो एक गाड़ी है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, फिर क्या हुआ, मान लो सामने कोई आ गया जैसे उसने ब्रेक मारा और अपना जो एक्सीलेटर है मतलब जो मोटरसाइकिल का कान है उसको मोड़ना उसने बंद किया और ब्रेक लगाना शुरू किया, जिससे उसका जो स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी वो फिर 10 हो गई, फिर और 5 हो गई, फिर धीरे धीरे होते होते 0 हो गई और गाड़ी रुक गई। यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे यानी त्वरण तो हो रहा है लेकिन किस नेगेटिव में हो रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन हो रहा है वो नेगेटिव में हो रहा है, याद रखना, यानी कि यहाँ जो त्वरण हो रहा है उसको नेगेटिव में हो रहा है यानी ऋणात्मक रूप से हो रहा है, तो यहाँ पे उसको मंदर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें क्या है, फोर्थ वाले ग्राफ में आप देखेंगे कि पहले जो है वो उसने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट करके 25 किलोमीटर पर आवर 5 सेकंड में पहुंच गया, फिर वो 12 पे 10 सेकंड में 12 की स्पीड उसने पकड़ ली, फिर 14 सेकंड में 18 की, फिर 20 सेकंड में उसने वापस अपनी स्पीड को कम करके 8 पे पहुंचाया। तो यहाँ देखिए, यहाँ का जो ग्राफ है आपको थोड़ा ऊपर नीचे देख रहा है, जिसमें पहले उसकी अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, फिर किसी वजह से उसने कम कर दी, फिर वापस उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, फिर वापस उसने कम कर दी। तो ये जो है ये है नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान त्वरण वाली, इसमें त्वरण हो भी रहा है, कभी त्वरण मंदक हो रहा है, मतलब कभी एक्सलेट हो रही है गाड़ी, कभी उसकी स्पीड को यानी उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है, फिर बढ़ा रहा है, फिर कम कर रहा है, ये फोर्थ करेगा, ठीक है। इसके बाद ये एक एक करके अपन इन सारे पॉइंट्स को देखा, इसके बाद में आता है हमारे समीकरण, ठीक है, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ से क्वेश्चन बनता है हर साल, ठीक है। हमें टोटल 3 समीकरण देखने हैं, 3 हमें क्या देखने हैं, इक्वेशन देखनी है। पहला वाला जो समीकरण है वो समीकरण है हमारा VT, मतलब कि वेग और समय के मध्य, वेग और समय के मध्य। इसके लिए हमने ये जो ग्राफ है जो दिख रहा है डायग्राम, इसको अपन देखते हैं ध्यान से कि मान लो कोई गाड़ी है वो स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी यानी जो वेग है वो यू वेग से ऑलरेडी चल रहा है, मतलब स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी है यू, ऑलरेडी वो चल रहा है,
ऐसा नहीं कि मैंने बंद से सूच लाया, फिर मैंने क्या कर दिया उसके मोटरसाइकिल के कान खींचे, यानी उसको एक्सलेट किया। एक्सलेट करने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी वो यू से क्या चेंज हो गई, यू से चेंज हो गई वी तक, यू से किस में चेंज हो गई वी तक, और यू से वी तक चेंज होने में जो समय लगा उसकी वेलोसिटी यानी उसका वेग को यू से वी में जो परिवर्तन होने में जो समय लगा वो समय लगा उसको टी, यहाँ से यहाँ तक का टी। ठीक है, तो कुछ आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा, ऐसा फिगर मिलेगा जिसमें आपको नाम दे दिया इसको ए बी सी डी, अपन ने इसको इससे मिला दिया, ये हो गया आपका डी। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करो तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी से लेकर बी तक की डिस्टेंस टोटल, यहाँ से लेंथ जो है यहाँ तक की लेंथ जो है वो वी है, टोटल वी है, यहाँ तक यू है, तो ये कितना हो गया वी माइनस यू। ठीक है, अब पहली इक्वेशन के लिए अपने मान लिया कि माना है कि कोई जो वस्तु है वो प्रारंभिक यू वेग से गति कर रही है, टी समय के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो वी बदल पहुंच जाती है। अब अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको स्टार्टिंग में लिखने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, फर्स्ट बात कर रहे हैं अपन त्वरण का फॉर्मूला यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ से इस टी को इधर भेजेंगे, इससे डिवाइड हो रहा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, माइनस का भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का भी, तो यानी कि सॉरी माइनस का यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का यू, तो यू प्लस ए टी इक्वल्स टू वी, इस वी को मैं इधर ले सकता हूँ, यानी कि वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ये किस किस के बीच में रिलेशन है, ये आपका पहला समीकरण हो गया, किस किस के बीच में है, ये हो गया आपका वेग, ये हो गया आपका समय, यानी एक तो हो गया आपका वेलोसिटी, एक हो गया आपका टाइम, वेलोसिटी टाइम के बीच में जो रिलेशन यानी संबंध दिखाने वाला इक्वेशन है। अब देखिए यहां से अगर टी को लेके गया तो ये टी इधर चला गया, इस बिकम ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, अगर मैं यहां से ए को ले जाता तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाता v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ कहीं पर मैं बाद में काम आएगा, तो मैंने यहाँ लिख लिया t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, याद रखना मैं बताऊंगा कि ये कहाँ काम आएगा। सबसे पहला जो हमारी समीकरण है वो यहाँ तक आ गया, इसको अपने अंडरलाइन कर लिया, बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, क्या हो गया कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड समीकरण के लिए क्या करेंगे हम, सेकेंड समीकरण होता है वो आपका होता है विस्थापन समय में, विस्थापन और समय के मध्य, यानी कि मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट या पोजिशन बोल लो आप उसकी, पोजिशन और टाइम के बीच में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसमें विस्थापन निकालू, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालू, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने स्टार्टिंग बताया था कि डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, विस्थापन होता क्या है, कि टोटल जो ये एरिया है जो पीछे पूरा टोटल एरिया आ रहा है, इस ये एरिया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो सेकंड के लिए क्या करूंगा मैं बोलूंगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू जो एस है वो क्या हो गया एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी टोटल का एरिया हो गया। अगर मैं इस एरिया को तोड़ूं दो छोटे छोटे एरियाज में, तो एक तो हो जाएगा ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, और ऊपर हो जाएगा उस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, नीचे वाला रेक्टेंगल का एरिया, ऊपर वाले ट्रायंगल का, नीचे वाले आयत का, ऊपर वाले त्रिभुज का, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, अब देखना एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ओ ए डी सी है क्या, ओ ए डी सी दिखने में आपको एक आयत दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, आयत का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का के लिए एरिया का, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, या लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी लंबाई हो गई आपके, ये हो गया आपकी लंबाई, ये हो गया आपकी चौड़ाई, ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गया आपकी ब्रेथ, तो ये हो गया ओ सी मल्टीप्लाई ओ ए। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी डी, ए बी डी क्या है, ए बी डी एक ट्राइंगल यानी त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है एक बार तो आधा इंटू ऊंचाई, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो गया आपके एडी, और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो गई बी डी। ठीक है, अब देखना एस ओ सी,
ओ सी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है अपनी टी, तो यहाँ क्या रख दिया मैंने टी गुणा ओ ए, ओ ए यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई वो कितनी है आपके यू, तो आपने क्या रख दिया यहाँ पे यू प्लस हाफ इंटू ए डी, ए डी अगर यहाँ से यहाँ तक टी है तो यहाँ से यहाँ तक वो टी होगा क्योंकि ये क्या है आयत है यानी रेक्टेंगल है, इसके आमने सामने वाली जो भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो ये टी है तो ये भी क्या हो जाएगा टी गुणा, अगर बी डी की बात करूँ बी डी जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक वी है यहाँ से यहाँ तक यू है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा वी माइनस यू या आ गया आपके वी माइनस यू। अब देखना एस इक्वल्स टू इस यू को पहले लिखता हूँ मैं, तो यू टी प्लस हाफ टी को टी की जगह रखा वी माइनस यू। अब देखो यहाँ से एक मिनट सॉरी, अब यहाँ से वी माइनस यू की वैल्यू निकालो तो वी माइनस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, वी माइनस यू की वैल्यू क्या होगी 80। अब देखना यहाँ पर वी माइनस यू की जगह रख रहा हूँ मैं 80, किसी नहीं आएगा साइड में 80 इक्वल टू वी माइनस यू। अब देखना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी टी को मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन दूसरा समीकरण, इसको अपने सिंपल सा निकाला वापस देख लेना। इसमें अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने सबसे पहले ये एरिया निकाला, एरिया को अपन ने दो नीचे वाले इस वाले एरिया नीचे वाले क्षेत्र में तोड़ दिया, इस क्षेत्रफल को अपन ने लंबाई जोड़ाई लेंथ इंटू ब्रेथ, ऊपर जो ट्रायंगल है त्रिभुज बन रहा है उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू आधा इंटू ऊंचाई से किया, ओ सी की जो मान है वो टी रखा, फिर ओ ए का जो मान है वो अपन ने वी रखा, फिर ए डी के लिए अपन ने ए, डी के लिए अपने टी माना चाहिए टी है तो ये भी टी होगा, बी डी बी माइनस यू हो गया, बी माइनस यू की वैल्यू 80 होती है, 80 की वैल्यू यहाँ रखी, 80 से मल्टीप्लाई हो गया टी स्क्वायर हो गया, ये आ गया आपका ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण ठीक है। इसके बाद में देखना ये जो सेकंड समीकरण है इसको मैं वापस ऊपर लिख लेता हूँ, सेकंड समीकरण क्या था हमारा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड के लिए क्या करना है, आपको याद क्या करना है इसमें इनके स्टार्टिंग वाले पॉइंट की, इसको मैंने कैसे निकाला था, इसको निकाला था एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण के सूत्र से, इसको हमने कैसे निकाला क्षेत्रफल से एरिया से, थर्ड वाले को कैसे निकाला इन दोनों की मदद से हेल्प से, वो कैसे निकाला देखो। अब हम जानते हैं क्या एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी टी आ रहा है इसमें भी टी आ रहा है, तो क्या करूँगा मैं टी को गायब कर देता हूँ ठीक है। तो मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपोन ए, याद है वी माइनस यू अपोन ए, इन दोनों में टी आ रहा है तो मैं टी को गायब कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टी टी की जगह इवेल्यू रख देता हूँ, तो एस इक्वल्स टू क्या हो गया यू टी की जगह वी माइनस यू अपोन ए प्लस हाफ ए की जगह एक ब्रैकेट के अंदर वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर ठीक है। अब देखना एस इक्वल्स टू क्या हो गया यू वी माइनस यू अपॉन में ए प्लस हाफ ए गुणा वी माइनस यू का होल स्क्वायर ऊपर अपॉन में ये इसके बाद में जाएगा, इसके बाद में जाएगा तो ए का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर से ए कट रहा है तो यहाँ से ए गायब हो गया, यहाँ से स्क्वायर गायब हो गया, कैसे हुआ ये देखो स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब क्या होता है दो बार मतलब एक से एक कट गया तो मतलब इससे मैंने इसको हटा दिया तो ये आपके पास ये मिल गया ठीक है। अब क्या करते देखो अगर मैं इन दोनों का इसको एक बटा दूं मैं देखो गुणा वाला इससे अगली से मैं देखते हैं यू वी माइनस यू बटा ए प्लस एक को इसे गुणा कर दिया ऊपर से तो एक को इसे गुणा करेंगे तो ये की ये संख्या आ जाएगी, दो को इसे गुणा किया तो टू ए। अब क्या करेंगे इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम में क्या आ रही है दिक्कत आ रही है, दिक्कत के लिए हम क्या करेंगे तो ये यहाँ थोड़ा सा उठा देता हूँ मैं, एक मिनट
ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसमें दिक्कत आ रही है हमें, एलसीएम लेने में। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है। अगर मैं 1/3 और 1/5 का एलसीएम लेने के लिए बोलूँ तो आपको समस्या होगी, लेकिन अगर मैं बोलूँ 1/2/5 और 1/5 की, तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, नीचे सेम आ रहा है। तुम क्या करते हैं, ये नीचे सेम बना देते हैं। आप सेम कैसे बनाएंगे देखना, ऐसा कैसे बता रहा हूँ एक बार के लिए, यू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन 2a। इधर 2a है, इधर क्या है, इधर a है। अब क्या करा मैंने, मैंने इधर भी लिख दिया 2, इधर भी लिख दिया 2। इससे इस सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली देखो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, बस शर्त है उससे उस सवाल पे कोई फर्क ही ना पड़े, उस क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। तो इससे फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि ये वाला 2 इस वाले 2 से वापस कैंसिल हो सकता है और पहले वाली स्टेप आ सकती है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 2 लिख दिया। अब इसका एलसीएम बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो एस इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम हो गया आपके 2a, ऊपर क्या चला गया 2u b माइनस यू प्लस इधर क्या चला गया v माइनस यू का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, अब देखो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसके आगे का यहां करते हैं, देखिए क्या हमने इसको खोला, क्या हो गया s इक्वल्स टू 2u v माइनस माइनस 2u को इससे किया तो 2u स्क्वायर प्लस हम सारे ए माइनस बी का होल स्क्वायर से उसको खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि क्या हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub अपॉन 2a है, 2a देखो टोटल इसमें चला गया, तो यहाँ लिख दूंगा 2as। अब देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, तुम देखो 2ub से प्लस का 2u से माइनस 2ub कट रहा है, और ये माइनस का 2u स्क्वायर है, और कहाँ है u स्क्वायर, ये रहा, तो ये रहा u स्क्वायर, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी दो में से गया तो एक u स्क्वायर, और बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कि 2as इक्वल्स टू यहाँ से बच गया माइनस का u स्क्वायर। अब प्लस का u स्क्वायर के साथ कोई प्लस का u स्क्वायर है क्या, प्लस माइनस करने के लिए नहीं है। अब u स्क्वायर अगर चल जाएगा तो यानी कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, जो कि आपका क्या है, थर्ड फॉर्मूला है, जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड। इसके साथ क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इससे मैं तीन फॉर्मूले प्राप्त हो गए, पहला क्या था v इक्वल टू यू प्लस 80, दूसरा था s इक्वल टू यू प्लस हाफ 80 स्क्वायर, थर्ड क्या था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये तीनों क्वेश्चन में से एक ना एक आपके एग्जाम में आता ही आता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।